वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ऑलरेडी डन विद कैश बुक एंड परचेज बुक। अब हम जा रहे हैं टॉपिक सेल्स बुक। टॉपिक का नाम लिखिए सेल्स बुक। ओपन योर कॉपी, राइट डाउन द टॉपिक नेम सेल्स बुक। एक्सप्लेनेशन लिखिए, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। आप सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। एक तो आप गुड्स बेच रहे हैं, मशीनरी नहीं बेच रहे। मतलब अगर आप बुक शॉप से हैं तो बुक्स बेच रहे हैं, फर्नीचर से हैं तो फर्नीचर बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हाउस से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहे हैं, कुछ और नहीं, स्क्रैप में नहीं बेच रहे। दो, क्रेडिट पे बेच रहे हैं, क्योंकि अगर कैश पे बेचा तो कैश बुक में जाएगा, कुछ और बेचा तो जर्नल में जाएगा। लिखिए सेल्स बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक, इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक which records credit sale of goods bracket में in which business deals मतलब जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हैं वो वाले गुड्स आप बेच रहे हैं। सर्विसेज के केस में कोई सेल्स बुक परचेज बुक नहीं बनती है, क्योंकि गुड्स होते ही नहीं है, सर्विसेज होती हैं। अभी हम ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर की नहीं, फुल स्टॉप। फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, परचेज बुक का सेम फॉर्मेट है, एग्जैक्ट सेम। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो डिटेल्स, अमाउंट इन रुपीज। इनवॉइस नंबर वही क्यों होता है? क्योंकि जो बेचता है वो एक कॉपी अपने पास रखता है, दूसरी ओरिजिनल कॉपी वो सेलर को दे देता है, परचेजर को दे देता है सेलर। अगर आप मॉल में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपको एक बिल मिलता है, इनवॉइस मिलती है, उस पर एक नंबर होता है, उसकी कार्बन कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी परचेज सेलर के पास रहती है, इनवॉइस नंबर दोनों का सेम रहता है। इसी वजह से अगर कोई फ्रॉड हो, टैक्स में फ्रॉड हो, तो गवर्नमेंट पता लग जाती है, लगा लेती है, क्योंकि इनवॉइस नंबर चेंज हो जाता है। नेवर्थलेस लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। दो क्वेश्चन करेंगे, एक करेंगे विदाउट जीएसटी और एक करेंगे विद जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 28, From the following particulars of Vipan Gulati, write up the sales day book. Sales book बनानी है। 28. In the books of Vipan Gulati. सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो डिटेल्स, अमाउंट इन रुपीज। ट्वेंटी एट क्वेश्चन कर रहे हैं। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश ट्रेडर सूरत, ट्राउजर टी शर्ट्स, गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। 10th मार्च को केपरी और टॉप्स बेचे, 24th मार्च को जीन्स और शॉर्ट्स बेचे, और नीचे गिवन है ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट तीनों के लिए एप्लीकेबल है,
सेल्स अप टू 50,000 इज 8%, सेल्स बियॉन्ड 50,000 इज 10%। 50,000 से नीचे की सेल्स हुई तो ट्रेड डिस्काउंट 8% है, 50,000 से ऊपर सेल्स हुई तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। सो द ट्रेड डिस्काउंट इज 8% इफ द सेल्स इज लेस देन 50, 10% इफ सेल्स इज मोर देन 50। फर्स्ट मार्च 14 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुरेश ट्रेडर सूरत, सुरेश ट्रेडर्स सूरत, अंडरलाइन, इनवॉइस नंबर गिवन है 1315, ट्वेंटी फाइव ट्राउजर्स एट द रेट रुपी 1200 एंड 12 टी शर्ट्स एट द रेट रुपी 750। 25 इंटू 1200 30,000, 12 इंटू 750 9,000, टोटल 39,000। माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 8%, नीचे गिवन है टीडी, तीनों ट्रांजेक्शन के लिए सेम है, 39,000 का 8%, 3120 आफ्टर डिडक्शन वी गेट इज 35,880 आउटर कॉलम। आफ्टर लिविंग अ लाइन 10th मार्च सोल्ड ऑन क्रेडिट टू दीवान फैशंस और दीवान फैशंस पूना, अंडरलाइन, इनवॉइस नंबर इज 1316, 30 केप्रीज एट द रेट रुपी 1600, नो 550, 24 टॉप्स एट द रेट रुपी 250, 30 केपरी 550 की एक बेची 16,500 और 24 टॉप 250 रुपये का एक टॉप बेचा 6,000, टोटल 22,500 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 8%। अगर ये 51,000 होता तो 10% ट्रेड डिस्काउंट लगता, 22,500 का 8% 1800 टोटल, 22,500 माइनस 1800 20,700। आफ्टर लीविंग अ लाइन 24th मार्च हमने चीजें बेची हैं शर्मा जीन्स आगरा, ट्वेंटी जीन्स ऑफ 1600 ईच, 20 जीन्स एट द रेट रुपीज 1600 एंड 40 शॉर्ट्स ऑफ 625। इफ द रेट इज करेक्ट राइट कैलकुलेशन, 1600 इंटू 20 30,000 की जीन्स बेची, 40 इंटू 625 25,000 के शॉर्ट्स बेचे,
57, क्योंकि हमने 57 की 1000 की सेल्स की है तो ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। टेक्निकली ये 10% ऐसे भी लग सकता है, 50,000 पर 8%, बाकी 7,000 पर 10%। ये डिपेंड करता है कि हम कैसा ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमें मेंशन तो होगा नहीं, हम तो सीधा 57,000 पे लगाने वाले हैं, बट दिस इज द न्यू टाइप ऑफ डिस्काउंट नोन एज ट्रेड डिस्काउंट इटसेल्फ। 50,000 से ऊपर 10% है तो 50,000 पर 8% लगेगा, बाकी 50 से जो ऊपर है मतलब 7,000 पे 10% लगेगा। हम डायरेक्ट लगा रहे हैं 5700, 57,000 माइनस 5700 इज 51,300 एंड देन विल डू टोटल। द टोटल ऑफ सेल्स बुक 35,880 प्लस 20,700 प्लस 51,300 107,880। क्वेश्चन में बोला है जर्नल पास करें, द क्वेश्चन इज सेइंग ऑल्सो पास जर्नल, और अगर लेजर भी लिखा है हार्डली मैटर्स, हम इग्नोर करेंगे क्योंकि मैंने अभी तक लेजर चैप्टर करवाया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक लेजर चैप्टर करवाया नहीं है। आई रिपीट, मैंने लेजर चैप्टर करवाया ही नहीं है तो मैं लेजर पोस्टिंग करवा नहीं सकता। सो लेजर पोस्टिंग को अभी हम करते हैं साइड पर, अभी हम सिर्फ जर्नल पोस्ट करते हैं। द जर्नल सेल्स है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अगर क्रेडिट पे सेल्स की है, अगर उधार पे सेल्स की है तो एंट्री आएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो क्रेडिट है। सुरेश ट्रेडर टू सेल्स, दीवान फैशन टू सेल्स, शर्मा जीन्स टू सेल्स। जीएसटी है तो टू आउटपुट जीएसटी, बट इस क्वेश्चन में जीएसटी तो है ही नहीं, दैट्स इट। सो द जर्नल एंट्री वुड बी सुरेश ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 35,880, दीवन फैशंस अकाउंट डेबिट 20,700, शर्मा जीन्स अकाउंट डेबिट 51,300 टू सेल्स अकाउंट बीइंग सेल्स बुक क्लोज्ड 35,880 प्लस 20,700 प्लस 51,300 107,880। इससे देख के लेजर बनेगा, सुरेश ट्रेडर का एक अकाउंट बनेगा, दीवान फैशन का एक अकाउंट बनेगा, शर्मा का एक अकाउंट बनेगा, सेल्स का एक अकाउंट बनेगा, दैट इज लेजर। सेल्स में क्रेडिट सेल्स तो ये वाली आ गई, हम कैश सेल्स अलग डालेंगे। सेल्स में ये क्रेडिट सेल्स आ गई और कैश बुक से देख के हम कैश सेल्स डाल देंगे, बट वो हम लेजर चैप्टर में करेंगे, अभी नहीं। शुड बी प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम जीएसटी की ट्रांजैक्शंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर्स द सेल्स बुक ऑफ जीनियस फर्निशिंग हाउस। इसमें जी एस टी भी है, तो लेट्स मेक द फॉर्मेट। फॉर्मेट हम पहले ही कर चुके हैं, जो हमने किया था परचेज बुक में कल पिछले लेक्चर में।
क्वेश्चन 27th, in the books of Genius Furnishing House, in the books of Genius Furnishing House, हम furnishing house हैं तो furnishing house में हम क्या बेच सकते हैं? Sofa, table, chair, curtain, bed sheets. Sales book. The format is date, particulars, invoice number, ledger folio, details. अमाउंट नहीं, कॉस्ट. परचेज पे होता है कॉस्ट, क्योंकि हम गुड्स खरीदते हैं. सेल में होता है बेचते हैं, तो वैल्यू या सेलिंग प्राइस. वैल्यू, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, फ्रेट, जिसको बेचा उससे चार्ज अगर करना है तो हमने पे कर दिया तो कैश बुक में जाएगा क्योंकि कैश चला गया. अमाउंट, अमाउंट रुपीज में होती है एज यू ऑल नो. 27th क्वेश्चन, Sold to Vishali on credit, wide invoice number 304. Two cotton quilts. Quilts बेची हैं रजाई. 2nd October 18. जिसको बेची है उसका नाम Vishali. Underline. Invoice number 304. कल को अगर वो वापस करने आएगी गुड्स तो हम इनवॉइस नंबर में देख लेंगे क्या रेट पे उसे बेचा था. टू कॉटन क्विल्ट्स एट द रुपी 800 ईच, 1600 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, 5% का टीडी लग गया 80, 1520 प्लस आईजीएसटी एट द रेट 5%, 1520 का 5%, 76. फॉर द सेक ऑफ गॉड ये मत सोचना 5% माइनस करना है 5% प्लस करना है तो सेम अमाउंट आ जाएगी. परसेंटेज में ऐसा नहीं होता. पहले 80 माइनस हुआ फिर 76 प्लस हुआ, क्योंकि जो 5% है पहले 1600 पे लगा है, फिर जो 5% है वो 1600 माइनस करके लगा है. वैल्यू है 1520, CGST, SGST नहीं है, IGST 76, फ्रेट नहीं है, 1596 इज द अमाउंट. 10th October, sold to Xavier Traders. 10th October, Xavier Traders. Invoice number 219, 15 cane chairs
एट द रेट रुपी 1000 ईच, और एट द रेट लिख दिया तो एक ही बात है, 15,000 की केन चिप्स, 10 केन बेंचेस, 10 केन बेंचेस एट द रेट रुपी 2000 ईच, 15,000 की चेयर्स बेची, 20,000 के बेंचेस कोई रेस्टोरेंट में बेचना था, टोटल इज 35,000। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, वी डू नॉट हैव ट्रेड डिस्काउंट, CGST, SGST प्लस GST एट द रेट 12%, 12% GST लग गया, 35,000 का 12% 4200, टोटल 39,200। सो वैल्यू है 35,000, CGST है 2100, 6% 6% है ना, मैंने इकट्ठा लिख दिया था, कोई चक्कर नहीं है क्योंकि बाद में कॉलम में तो सेपरेटली आ जाएगा। 2100 IGST नहीं है, फ्रेट नहीं है, अमाउंट 39,200। आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्रेट है, यू मे सी देयर इज अ फ्रेट ऑफ 500, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड पेड, हमने पे कर दी, क्योंकि हमने फ्रेट पे कर दी वो कैश बुक में जाएगी। यहाँ पे कौन सी फ्रेट आती है, जो फ्रेट हमने कस्टमर से चार्ज करनी है, अगर हमने फ्रेट पे कर दी तो कैश बुक में, उनसे चार्ज करनी है तो यहाँ पे, यहाँ पे वर्ड लिखा है पेड तो फ्रेट नहीं आएगी, वो कैश बुक में जाएगी। 22 अक्टूबर, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ताकि थोड़ी प्रेजेंटेशन बनी रहे। नंदनी सन्स, नंदनी एंड सन्स, इनवॉइस नंबर 116, वैसे इनवॉइस नंबर ऑर्डर में होते हैं, बिल नंबर हमेशा ऑर्डर में होते हैं। 20 चेयर्स, 20 डिजाइनर चेयर्स एट द रेट 3000 ईच, 5 डिजाइनर टेबल्स एट द रेट 4000 ईच, 2 अलमीरा एट द रेट रुपी 10,000 ईच, फिर TD, फिर GST, 20 × 3000, 60,000 की चेयर्स बेची, 5 टेबल बेची 4,000 की, मतलब 20,000 की टेबल्स बेची, 10,000 की अलमीरा, 20,000 की अलमीरा बेची, टोटल बना 1,00,000। थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है भाई, अकाउंट्स तो ऐसे ही होता है, तभी ऑनलाइन पढ़ाना अकाउंट्स डिफिकल्ट होता है, ओनली फॉर दीज रीजंस। 1,00,000 TD 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 10,000, ये बचा 90, अब लगेगा GST, मैं थोड़ा बड़ी ऊपर करके अमाउंट लिख रहा हूँ, 60,000, 20,000, 3,000, 1,00,000, 10,000, 90,000. Now we'll charge GST plus GST at the rate 18%, 90,000 का 18% GST लगेगा, 90,000 का माल बेचा 18% GST लगा, 16,200 टोटल, 1,06,200। So let me check once again the calculation part. Perfect.
सो वैल्यू में जाएगा 90,000, सीजीएसटी में जाएगा 16,200 का हाफ, क्योंकि जो जीएसटी है वो है 8100 प्लस 8100। सो आउटपुट सीजीएसटी में जाएगा 8100, आउटपुट एसजीएसटी में जाएगा 8100, आईजीएसटी नहीं है, फ्रेट नहीं है, और टोटल है 106,200। नाउ लेट्स क्लोज द सेल्स बुक, क्लोज करते हैं सेल्स बुक को। टोटल 1520 प्लस 35,000 प्लस 90,000, 126,520। आउटपुट सीजीएसटी का टोटल 10,200, एसजीएसटी का टोटल सेम 10,200, आईजीएसटी का टोटल 76, फ्रेट का टोटल नहीं है, और अमाउंट का टोटल 1596 प्लस 39,200 प्लस 106,200, 146,996। डन, लेट्स पास द जर्नल फॉर सेम। जर्नल बनेगी सेल्स की, होती है कस्टमर टू सेल्स, कस्टमर टू सेल्स। सो वी हैव थ्री कस्टमर्स, विशाली अकाउंट डेबिट, जेवियर ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, नंदनी एंड सन्स, लेट मी मेक अ बिगर फॉर्मेट फॉर द जर्नल, सो द जर्नल वुड बी विशालीज अकाउंट डेबिट 1596। अमाउंट के कॉलम में चेक करेंगे, जेवियर्स, जेवियर ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 39,200, नंदनी एंड सन्स अकाउंट डेबिट 106,200, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का मतलब कॉस्ट का टोटल, मतलब वैल्यू का टोटल 126,520। आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट 10,200, टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट 10,200, टू आउटपुट आई जी एस टी अकाउंट 76, being sales book closed। और जैसे आपको पता है डेबिट क्रेडिट के इक्वल आता है, वो इक्वल आना चाहिए। 1596 हमने जेवियर्स विशाली से लेने हैं, 39,200 जेवियर से लेने हैं, 106,200 हमने नंदनी से लेने हैं, तो टोटल लेने हैं 146,996। उसमें से 126,520 हमारी इनकम हो गई, 10,200 स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं, 10,200 सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, और 76 का आईजीएसटी हमारी लाइबिलिटी हुआ। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। कूल,
एक फ्रेट का कॉलम खाली रहा क्योंकि हमने फ्रेट पे कर दिया, अंडरलाइन द वर्ड पे, पे कर दिया, कैश चला गया, तो ये कैश बुक में जाएगा। नीचे नोट दीजिए, राइट डाउन अ नोट, टेंथ अक्टूबर फ्रेट पेड ऑन 10th October will be recorded in cash book. Freight paid on 10th October will be recorded in cash book as cash is involved in this transaction. So question ये आता है, फिर हम freight के column में डालेंगे कब? हम फ्रेट के कॉलम में तब डालेंगे जब फ्रेट हमें कस्टमर से चार्ज करना होगा, फुल स्टॉप। वी विल पोस्ट इन फ्रेट कॉलम व्हेन फ्रेट इज टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। हम फ्रेट के कॉलम में तब डालेंगे फ्रेट जब हमने नहीं कस्टमर ने फ्रेट पे करनी है, कि हमने 2000 का वाइट बोर्ड बेचा और बोला 2100 दे देना, 100 रुपया रिक्शा वाला लेगा। एंड समटाइम्स इट हैपेंस, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को जब हम चीज़ बेचते हैं तो रिक्शा अपनी तरफ से देते हैं। डन। नेक्स्ट, सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है? एक थ्रेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट और कैश रिकॉर्ड करता है, दोनों। राइट डाउन वन क्वेश्चन, एक थ्योरी का क्वेश्चन लिखिए। What is the difference between एक थ्योरी का क्वेश्चन कीजिए। What is the difference between sales book and sales account? सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है लिखिए। सेल्स बुक इज अ सब्सिडियरी बुक, सेल्स बुक इज अ सब्सिडियरी बुक, फुल स्टॉप, टी शेप में नहीं है, वी आर नॉट पोस्टिंग इन टी शेप, इट इज जस्ट द पैराग्राफ फॉर्म। सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, विच रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, Whereas, sales account is a ledger account. Whereas, sales account is a ledger account. Which records credit sales
एंड कैश सेल्स बोथ, विच रिकॉर्ड्स कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स बोथ. कुल जस्ट आपको समझाने के लिए, पहले कैश बुक और सेल्स बुक इकट्ठी बनती है. कैश सेल्स कहाँ पे जाती हैं? कैश बुक में. क्रेडिट सेल्स जाती हैं सेल्स बुक में. कैश सेल्स कहाँ जाती हैं? कैश बुक में. क्रेडिट सेल्स कहाँ जाती हैं? सेल्स बुक में. फिर कैश बुक को देख के सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है, लेजर बनाया जाता है, और सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है, और यहां से हमें टोटल सेल्स मिल जाती है. सो कैश सेल्स गई कैश बुक में सब्सिडरी बुक, क्रेडिट सेल्स गई सेल्स बुक में सब्सिडरी बुक. फिर वहां से देख के, कैश बुक से देख के सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है सेल्स, कैश सेल्स की, और क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक से देख के ये वाली, ये डाली जाती है सेल्स अकाउंट में क्रेडिट सेल्स. फिर दोनों का टोटल करके टोटल सेल्स आ जाता है. चेंज द पैराग्राफ. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेल्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड using cash book for cash sales, and sales book for credit sales. Full stop. Done. फिर सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए. वो हम आगे जाके करेंगे जब लेजर के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स करेंगे. अभी तो हम जर्नल में ही घूम रहे हैं. जर्नल खत्म हो गया, उसके बाद सब डिविजन ऑफ जर्नल कर रहे हैं सब्सिडरी बुक्स. दैट्स इट. इसका सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, वैसा वर्सा आंसर रहेगा. परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है, परचेज अकाउंट एक लेजर अकाउंट है. परचेज बुक प्राइमरी बुक है, पहले रिकॉर्ड होती है. परचेज अकाउंट फाइनल बुक है, लेजर है. परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आती हैं. परचेज अकाउंट में कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों आती हैं. नीचे नोट दे दीजिए, सिमिलर क्वेश्चन what is the difference between purchase book and purchase account. What is the difference between purchase book and purchase account? आंसर आपको पता ही है, जो मैंने बताया उसका वाइस वर्सा. क्वेश्चन 26 आप अपने आप कर रहे हैं. वी हैव 10-15 मिनट्स. ये क्वेश्चन आप अपने आप कर रहे हैं, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ. यू डू इट योर सेल्फ, आई एम डूइंग ऑन बोर्ड. आफ्टर 10-15 मिनट्स यू विल वेरीफाई इफ यू हैव गॉट द राइट आंसर और नॉट. डू सम योर सेल्फ, आई एम सॉल्विंग ऑन द बोर्ड. स्पीड बना के रखिएगा. जीएसटी नहीं है, सेल्स बुक बनानी है विदाउट जीएसटी. स्टार्ट द क्वेश्चन.
स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से सम कंप्लीट हो चुका है, आप आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी अभी ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया तो मेरी स्पीड ज़्यादा है। यू मे चेक द आंसर एंड वेरीफाई इफ इट इज़ ओके। इट्स अ 3 marker क्वेश्चन, अ स्मॉल क्वेश्चन विदाउट GST। सो वी आर डन विद द सेल्स बुक ऑल्सो। कल हम करेंगे रिटर्न बुक, मतलब परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड और उससे रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। टुमारो विल डू द रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक।